हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपके एजुकेटर प्रकाश शौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो ओ एम आर शीट फिल करते हैं वो कैसे फिल करनी है ठीक है और कौन कौन सी बातों का हमें इस पर ध्यान रखना है ओ एम आर शीट फिल कर करते टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और परेशान होने लगते हैं है ना उस कारण से प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि हम ओ एम आर शीट को फिल करने में प्रॉब्लम कर दें ठीक बाकी ओ एम आर शीट फिल करना बहुत ईजी काम है ओके बस सावधानी से फिल करना है हो गया ओके जैसे कि हम बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ओ एम आर शीट को देखिए आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्क इन द सर्कल्स तो आप चाहो तो ब्लू पेन ले लो या फिर ब्लैक पेन ले लो आपको पूरी ओ एम आर शीट किसी एक ही कलर के पेन से फिल करनी है ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही ओ एम आर शीट में ब्लैक पेन से भी फिल कर दिया आपने आधी ओ एम आर शीट और आधी ओ एम आर शीट ब्लू पेन से है टोटली वन पेन आपको यूज करना है ब्लू या फिर ब्लैक चॉइस इज योर्स और आपको डॉट बॉल पॉइंट पेन डॉट पेन आपको लेके जाना है ठीक है कम से कम तीन चार पेन आपके पास होने चाहिए जो भी आप लेकर जा रहे हो ब्लू या ब्लैक फिर उसके बाद यहां पर लिखा है करेक्ट मेथड, ठीक है अब ये करेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि देखिए करेक्ट मेथड और ये ये जो सर्कल है ना देखो इसी तरीके के सर्कल आपको क्या करने हैं फिल करने हैं डार्क करने हैं ठीक और यहां पे लिखा है रॉन्ग मेथड्स तो ये जो मेथड्स है ये रॉन्ग है इस तरीके के सर्कल्स आपको नीचे गिवन होंगे तो आप आधा सर्कल फिल करोगे तो वो रॉन्ग अगर आपने सिर्फ सर्कल के बीच में थोड़ा सा डार्क कर दिया बाकी छोड़ दिया वो रॉन्ग ऐसे टिक कर दिया राइट right का वो भी रॉन्ग ऐसे रॉन्ग का टिक लगा दिया वो भी रॉन्ग दैट मीन्स आपको वो सर्कल अच्छे से फिल करना है लाइक like दिस ऐसे आपको वो सर्कल अच्छे से पूरा फिल करना है ठीक है है ना अच्छे से फिल करना है ओके okay. उसके बाद हम चले तो जैसे कि ये हमें सबसे पहले क्या फिल करना है नेम फिल करना है ठीक है नेम फिल करना है तो किसी का वर्ड किसी का जो नाम है वो अगर दो डिजिट का है दो डिजिट का मीन्स दो वर्ड का है ठीक है ना तो दो वर्ड का नाम है फॉर एग्जाम्पल नाम है श्याम शर्मा ठीक है तो देखिए आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है एस लिखोगे आप एच लिखोगे वाई लिखोगे ए लिखोगे एम लिखोगे। श्याम हो गया फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे शर्मा तो आपका जो नाम है वो दो वर्ड का हो या तीन वर्ड का हो ठीक अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप आप नाम लिखते हो श्याम कुमार शर्मा अगर आप श्याम कुमार के बीच में जब आप नाम लिखते हो तो अगर आपकी जो श्याम कुमार जो नाम है उसके बीच में अगर आप स्पेस देते हो तो आप यहां पर भी स्पेस दोगे ठीक और अगर आप श्याम कुमार एक साथ लिखते हो तो फिर आप स्पेस नहीं दो, दोगे श्याम कुमार कंटिन्यू लिखोगे जब शर्मा लिखोगे तो आप स्पेस दोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नाम जिनका नाम तीन वर्ड का है ठीक उन्हें बता रहा हूँ स्पेशली उन्हें ये चीज का ध्यान रखना है अगर वो श्याम कुमार एक साथ लिखते हैं तो स्पेस ना छोड़ें लेकिन अगर वो श्याम कुमार के बीच में स्पेस छोड़ते हैं तो यहाँ भी आपको स्पेस छोड़ना होगा चलिए मैं फिल करता हूँ श्याम कुमार शर्मा तो मान लीजिए मैं श्याम के बाद स्पेस करता हूं छोड़ता हूं कुमार के लिए तो के फिर यू फिर एम फिर ए फिर आर फिर शर्मा की बात करें तो एस एच ए आर एम ए श्याम कुमार शर्मा हो गया फिर उसके बाद ये आपने नाम फिल कर लिया फिर स्कूल अब जिस सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आप फिल करोगे इन कैपिटल लेटर्स ठीक है आगे चलते हैं ओके फिर हमें देखना है ये रोल नंबर रोल नंबर का क्या <coughs> फंडामेंटल अप्लाई करना है हमें तो रोल नंबर में हमें क्या करना है देखो जो भी ओ एम आर शीट मिलेगी आपको उसमें काउंट करना होगा सबसे पहले कि ओ एम आर शीट में जो ब्लॉक्स है वो कितने हैं लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यहां टोटल इलेवन ब्लॉक्स हैं ठीक अब जो हमारी शीट आपको वहां पे दी जाएगी ठीक है हो सकता है थोड़ी अलग हो है ना तो आपको काउंट करना है कि जो रोल नंबर है वो आपका कितने डिजिट का है और वहां पे जो ब्लॉक्स हैं वो कितने बॉक्सेस कितने हैं अगर सेम सेम है तो बहुत अच्छी बात है आप शुरू से स्टार्ट कर दोगे लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 11 डिजिट्स का ये बॉक्स है 11 बॉक्सेस हैं लेकिन रोल नंबर आपका 10 डिजिट का है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे इन से पूछ लोगे ठीक है वैसे तो तरीका यह है कि अगर टेन डिजिट का होगा तो आप पहले बॉक्स में जीरो फिल कर दोगे और जीरो को डाक कर दोगे बाकी यहाँ से रोल नंबर लिख लोगे लेकिन बेटर है कि आप ये इन से पहले श्योर कर लो कन्फर्म कर लो ओके फॉर एग्जाम्पल हमने रोल नंबर फिल किया सेवन एट नाइन थ्री टू सिक्स फोर जीरो टू थ्री तो तरीका यह है कि आप देखा आपने जीरो यहां पर है तो आप जीरो को फिल करोगे लेकिन जीरो को भी जब आप फिल करोगे ना तो देखो फॉर एग्जाम्पल यह एक सर्कल है कई बच्चे क्या करते हैं बाहर वाली सर्कल को ऐसे बाउंड्री करते हैं दैट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग आपको क्या करना है सर्कल का जो सर्कम होता है जो बाउंड्री होती है तो इनर बाउंड्री को फिल करो सबसे पहले ठीक है इनर बाउंड्री को पहले आप फिल करो ठीक मैंने किया उसके बाद फिर जब वो इनर बाउंड्री हो जाएगी तो फिल करना आसान हो जाएगा सेवन को फिल करने की बात करें तो ये ये आपका 7 हो गया एक्चुअल में मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर से कर रहा हूं तो थोड़ा सा इसकी जो विथ है, है ना वो थोड़ी सी मोटी है ठीक बाकी आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का तो हमने देखा जीरो के नीचे जीरो सेवन के नीचे सेवन कई बार बच्चों से क्या हो जाता है जल्दी जल्दी में बच्चे ने सेवन यहाँ फिल किया और उसके बाद अगर एट है ना तो बच्चे ने एट भी यहीं पे फिल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा वो रोंग हो जाएगा ध्यान रखना है जो डिजिट आप फिल कर रहे हो उसके नीचे ही आपको उस सर्कल में डाक करना है ठीक जो एग्जाम सेंटर कोड है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वहाँ बताया जाएगा आप वही फिल करोगे आपको ध्यान रखना है कि वो एम आर शीट आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्व ठीक यहां जो सबसे पहले क्या है जीरो है तो किसी किसी ओ एम आर शीट में ऐसा होता है कि पहला डिजिट वन होता है जीरो सबसे लास्ट में तो थोड़ा सा ये भी देख लेना अच्छे से जल्दबाजी नहीं करनी है बस क्वेश्चन बुकलेट कोड है वो भी आपको बताया जाएगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई भी चीज अगर आपको डाउट है आप श्योर नहीं हो उसको लेकर हंड्रेड परसेंट ठीक है तो आप अपने इन से कंफर्म कर लोगे पूछ लोगे है ना एक बार नहीं तीन बार पूछोगे ओके लेकिन पूछ लोगे खुद से कुछ भी नहीं करोगे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आपको अपनी ओ एम आर शीट बहुत अच्छे से रखना है कहीं पे भी कुछ भी पेन नहीं चलना चाहिए इस इन चीज़ों का ध्यान रखना है ठीक है ओके क्योंकि ओ एम आर शीट स्कैन होती है जैसे कि सबको पता है तो इसलिए रिजेक्ट होने का डर होता है ओ एम आर शीट आपको अच्छे से रखनी है साफ़ सुथरी ठीक है फोल्ड नहीं करना है मुड़नी नहीं चाहिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है रफ वर्क भी नहीं करना है इसमें ठीक ओके फिर आगे चलते हैं अब ये लास्ट काम बाकी है फॉर एग्जांपल्स ये ऐसे आपको आंसर्स फिल करने हैं ठीक तो देखिए मान लीजिए कि क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर फिल कर दिया सी आपने इसका आंसर फिल कर दिया सी ठीक है सी आपने फिल कर दिया ओके तो आपको बाद में याद आया कुछ देर बाद कि इसका जो आपने आंसर फिल किया है सी वो गलत है हमारा सही आंसर क्या है ए है कभी कभी ऐसा होता है ना जीके के क्वेश्चंस याद आ जाते हैं या कोई मैथ का फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर आपको याद भी आ गया है कि थर्ड का करेक्ट आंसर सी नहीं होगा ए होगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो ओके okay? उस क्वेश्चन को छोड़ दो ठीक है एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट ठीक है क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता अगर आपने ये सी फिल कर दिया है तो कुछ नहीं हो सकता है अगर आप इस सर्कल को भी कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है और माइनस मार्किंग नहीं है एग्जाम में आपके सैनिक स्कूल के, के एग्जाम में तो आपको पूरे हंड्रेड क्वेश्चन ठीक करके आने हैं ठीक है सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो